दोस्तों को सलाम। रॉकी रजनी से मेरा नाम और मैं आपको आपके ही चैनल सीनरी ऑफ इंडिया में स्वागत करता हूं। अभी जो हमारा लॉकडाउन का चल रहा है पूरे देश में, और इस लॉकडाउन के बीच में थोड़ा बहुत राहत मिली है कुछ जगह पर घूमने आने जाने की, उसका इस आने जाने के मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं अभी आया हूँ पश्चिम बंगाल के एक ज़िले पुरुलिया में। फिलहाल मैं ऊपर से यहाँ पर नीचे धीरे धीरे इन पत्थरों से होते हुए नीचे आया हूँ, और ये पानी की मात्रा यहाँ पर इस बांध में बहुत कम है फिलहाल, लेकिन ये चारों ओर से पहाड़ छोटी पहाड़ियों से घिरी हुई है। ये अयोध्या पहाड़ियों की रेंज है। पानी उतना साफ नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ मछलियाँ देखी जा सकती हैं, छोटी मछलियाँ हैं जिसके कारण उतनी अच्छे से दिख नहीं रही, लेकिन फिर भी मछलियाँ हैं यहाँ पे। और ये एक बैरेज है जो अगर ये डैम में जो पानी भर जाता है तो वहाँ से छोड़ा जाता है, इसी बैरेज के माध्यम से छोड़ा जाता है। वो रास्ते बने हुए हैं यहाँ पे जो है बैरेज का, पुराना ही है फिलहाल, काफ़ी है। तो चलिए अभी फिलहाल यहाँ पे कुछ झरने हैं, प्राकृतिक झरने, उन झरनों के पास आपको मैं लेके चलता हूँ। चलिए आगे का नज़ारा आपको, खूबसूरत नज़ारा जो है, और सभी जो है बामनी फाल, यहाँ पे बामनी एक झरने का नाम है, वहाँ पे जाते हैं, और भी बहुत सारी जगह हैं, तो चलिए चलते हैं। काफ़ी हवा, तेज़ हवाएं चल रही हैं, और ये जो मैं अभी नूर डैम पर हूँ, और ये डैम में वो जो आप देख सकते हैं, ये पानी पूरे शहर में जो यहाँ पे आसपास में जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उनके कारण बहुत सारे होटल हैं और घर भी यहाँ पे बने हुए हैं, उन सभी घरों में पानी का जो सप्लाई होता है, ये सप्लाई करने के लिए ये संयंत्र लगा हुआ है। यहाँ से पानी को उठाया जाता है, उठा के और इन्हीं के पाइपों के द्वारा यहाँ पे एक लिखा हुआ कि जल उत्तोलन केंद्र, यहाँ से पानी उठाया जाता है यहाँ से, और बाकी सारे जगहों पर यहाँ पर पानी की सप्लाई की जाती है इसी यहाँ से, इसी बांध के द्वारा, बांध में जो पानी रहती है। अभी फिलहाल बांध में पानी कम है, लेकिन फिर भी यहीं से पानी के सप्लाई यहाँ पे आसपास में अयोध्या पहाड़ के पहाड़ियों के ऊपर जितने भी सारे होटल हैं और टूरिस्ट लॉज हैं, इस सब में पानी की सप्लाई यहीं से होती है। तो काफ़ी सुहाना और ज़बरदस्त ठंडी हवाएं चल रही हैं, बादल हल्के हल्के बादल घिर रहे हैं, अब हो सके तो यहाँ पे बारिश या आंधी तूफान उस देर में ही आए। ये देखिए जो पीछे का जो है जल संयंत्र, वहाँ से पानी की सप्लाई होती है, और बाकी सारा जो है खूबसूरत दृश्य यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था कि बादल उमड़ रहे हैं, बारिश की संभावना यहाँ पे काफ़ी है। अभी फिलहाल ये खूबसूरत दृश्य आप देखिए, दोस्तों तो अभी मैं आ गया हूँ बामनी झरने पर, बामनी फाल जो है वहाँ पर। अभी यहाँ से आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, ये
पानी की कलकल बहती धारा की, जलधारा की, तो ये सब आप देख सकते हैं जो बह रही हैं। और पीछे भी आपका मैं ये दिखा दूँ आपको, यहाँ से जो जलधारा बहते हुए आगे नीचे से एक झरना जो है बामनी फॉल, तो वो आपको वहीं पे मैं अब ले जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं ये खूबसूरत नज़ारा, जिसके लिए यहाँ पे ये अयोध्या पहाड़ जो पुरुलिया में है ये मशहूर है। और यहाँ पे बामनी फॉल का जो ये जो सीढ़ियाँ, जो सीढ़ियाँ चल के मैं जा रहा हूँ और आ रहा हूँ, ये लगभग 500 सीढ़ियाँ हैं। और इसे बनाने में जो यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, नोटिस बोर्ड, जो अमाउंट टेंडर अमाउंट है 14,56,477 रुपये टेंडर अमाउंट, और लगा है टोटल जो है अभी तक 12,00,000 अमाउंट लग के ये 500 सीढ़ियाँ हैं। अभी ये सीढ़ियों को 500 सीढ़ियों को उतर के मैं अभी जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि वही जलधारा नीचे बहती हुई है, वहाँ पे जब आगे वहाँ पे नीचे है तो झरने के रूप में जब गिरेगी उसको देखने के लिए, तो 500 सीढ़ियाँ उतर रहा हूँ मैं। चलिए काफ़ी इंजॉयबल है। और अयोध्या की पहाड़ियाँ जो पुरुलिया में है वो इसीलिए मशहूर है। और फिलहाल मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप मैप देखिएगा तो ये पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट जो है पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और ये तीन तरफ से ये थोड़ा हल्का ट्रायंगल टाइप का है, तो इस कारण से ये तीन तरफ से झारखंड राज्य से घिरा हुआ है, तीनों तरफ झारखंड है और ये पुरुलिया। तो ये यहाँ पर झारखंड की सीमाएं काफ़ी नज़दीक है यहाँ से, और मैं धीरे धीरे उतर रहा हूँ और कुछ जो टूरिस्ट है वो लोग देख के ऊपर आ रहे हैं। तो फिलहाल चलिए चलते हैं। ये जो मैं थोड़ी सी ऊंचाई पर हूँ, अयोध्या की पहाड़ियाँ, और इन पहाड़ियों से मैं अभी नीचे उतर रहा हूँ। वो देख सकते हैं आप, पानी जो दिख रही है, और ये जो है इन सीढ़ियों के द्वारा मैं नीचे उतर रहा हूँ। चलिए काफ़ी खूबसूरत और हरा भरा दृश्य देखने को मिल रहा है, काफ़ी रोमांचक रहती है ये सब। और ऐसे खूबसूरत दृश्यों के लिए ही पुरुलिया मशहूर है। दोस्तों तो ये जो पुरुलिया जो है यहाँ पे छऊ नृत्य होता है, जो एक काफ़ी खूबसूरत मास्क जो बनाया जाता है उसको पहनकर नृत्य किया जाता है, इसके लिए पुरुलिया मशहूर है। तो फिलहाल जो है दोस्तों तो ये कुछ सीढ़ियाँ उतरने के बाद ये बामनी फॉल जो है, बामनी की जल धारा या झरने यहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ। काफ़ी खूबसूरत दृश्य है, आपको मैं वहाँ से नज़दीक से दिखाऊँ तो यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं। मेरे संगे कुछ और भी एक आपसे काफ़ी है, तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत नज़ारा। कहीं भी पानी के झरने देखने में वो काफ़ी खूबसूरत लगता ही है, और यहाँ पे ये खूबसूरत झरने, लाल झरने के पास मैं पहुँच गया हूँ। और ये मेरे संग है राजेश जी, निकने में इनका पिकलू है, और यही हम लोग को ड्राइव करके लेके आए हैं कोलकाता से। और हम लोग के साथ एक और साथी है आदित्य दा,
वो भी हम लोग के संग है। तो फिलहाल मैं अब थोड़ा और नीचे भी कुछ एडवेंचरस करने का मन कर रहा है, तो मैं अब नीचे थोड़ा उतर रहा हूँ। और वाव वापी आए तो ये खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा ही, ज़रूर आए। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। खूबसूरत नज़ारे, और ये जो है थोड़ा देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा बहुत खतरनाक हो सकता है, ज़्यादा खतरनाक नहीं, थोड़ा बहुत एडवेंचरस है। थोड़ा सावधानी पूर्वक कहीं भी जाएँ सावधानी पर बरतते हुए, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो थोड़ा सावधानी करते हुए मैं भी आप जा रहा हूँ आगे। और आप देखते रहिए इस खूबसूरत नज़ारे को। रॉकी जो है वो रॉक क्लाइंबिंग कर रहा है, अभी देखो हाथ बाहें फैला के उसका स्वागत कर रहा है, अभी और जाने का मन कर रहा है उसको। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, तगड़ा है यार, बिल्कुल दारा सिंह लग रहे हो। इससे एक और स्टेप और करीब, फॉल्स के और करीब, लगता है जैसे इंडिया का तिरंगा अभी लहराएगा उधर। ये एवरेस्ट विनर अब वापस आ रहे हैं, अभी बहुत स्टीडी है, बहुत स्टीडी है वो जगह, संभाल के जाना पड़ेगा, संभाल के रहना पड़ेगा। और वो जो आप देख सकते हैं ऊपर से जो वो फल पानी वहाँ से गिर रही थी, वहाँ से भी मैं दृश्य दिखा था, उधर से नीचे होते हुए यहाँ पे जो है, और ये आगे नीचे भी जा रही है। चलिए नीचे चलते हैं। वाह काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। और ये पथरीली रास्तों से होते हुए ही नीचे मैं जा रहा हूँ। काफ़ी पथरीली रास्ते हैं, बामनी फल का। और मैं नीचे आया था और नीचे आके आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो खूबसूरत, कितना खूबसूरत जो है, लगती है कि दूध की जो धाराएं बह रही हैं वो आप देखिए कितना खूबसूरत है। और पुरुलिया में ये काफ़ी मशहूर है ये। तो ये पुरुलिया पर्यटन के दौरान अभी मैं पहुंचा हूं। फिलहाल आप देख सकते हैं पीछे जो ये बोर्ड लगा हुआ है अपर डैम का, ये अपर डैम है, बोर्ड लगा हुआ है अपर डैम का, ये अपर डैम, और एक लोअर डैम है यहाँ पे।
और ये काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। काफ़ी अपर डैम ये बहुत बड़ा है, वहाँ से पीछे से उधर से शुरू है। और ये पीछे के इधर के दृश्य आपको जो अगर मैं बैक कैमरा करके दिखाता हूँ यहाँ के खूबसूरत दृश्यों को,